दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा गलतियां के बारे में बताने वाला हूं जो कि सारे बिगनर क्रिएटर अपने चैनल पर करते ही करते हैं। तो भाई अगर आप लोग भी YouTube पर बिगनर हो और आप लोग भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हो अपने चैनल को मोनेटाइज करवाकर, तो मेरे भाई आप लोग अपने चैनल पर ये गलतियां मत करना जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मैंने भी एक टाइम किया था और उसका प्रभाव जो है ना भाई अब भी मेरे चैनल पर दिख रहा है। तो भाई आप लोग इस गलती को अपने चैनल पर मत करना जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 से 5 गलतियां बताऊंगा जो आप लोग अपने चैनल पर बिल्कुल मत करना। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको अपने लिए एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। देखो मैंने भी यूट्यूब पर आया था ना, तो भाई मैंने रेंडम कैटेगरी पे मैंने काम किया था। अगर आप लोग रेंडम कैटेगरी पे काम करोगे ना, तो भाई आपका चैनल जो है ना एक टाइम जाकर डेड हो जाएगा। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको किसी एक निश को जो है सिलेक्ट करना है, देखो रीजन भाई यही है कि जो नए क्रिएटर होते हैं ना वो लोग करते क्या है कि किसी एक निश पर जो है ना वो लोग वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, अलग अलग जो है ना अपने कैटेगरी को चेंज करते हैं। और भाई इससे होता क्या है ना कि जो भी उनको सब्सक्राइब करता है अलग अलग वीडियो देख कर, वे लोगों का जो है ना नीड होता है कि उनके चैनल पर उस तरह के वीडियो अपलोड होगा और वे लोग जो है ना उस तरह के वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, अलग कैटेगरी वाइज जो है ना वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर अलग कैटेगरी वाइज जो है ना वीडियो अपलोड कर देते हैं। और इससे होता क्या है ना कि जो भी उनको सब्सक्राइब किया होता है वे लोग जो है ना भाई अलग अलग जो है ना कैटेगरी वाइज बढ़ जाते हैं, और जब भी वे लोग अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आता है। मेन रीजन होता क्या है वीडियो पर व्यूज ना आने का कि भाई उनके पास में ऑडियंस तो है लेकिन वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। रीजन यही होता है कि वे लोग जो है ना किसी एक नीश को यानी कि एक कैटेगरी को फॉलो करके जो है ना कंटिन्यू अपने चैनल पर काम नहीं किए। तो भाई अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके साथ में ये ना हो, तो आपको किसी एक नीश को जो है ना फॉलो करके अपने चैनल पर काम करना होगा, किसी एक ही कैटेगरी पर जो है ना आपको वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा। और ये गलती आप लोग कभी भी मत करना। तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरा गलती के बारे में। अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो और आप चाहते हो कि आपका वीडियो जो है ना नए ऑडियंस के पास में जाए, आपका वीडियो जो है ना सर्च में जाए, तो मेरे भाई आप वीडियो बनाकर ऐसे ही अपलोड मत कर देना। आपको अपने वीडियो में जो है ना टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को जो है ना डालना है। और अगर आप लोग टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को अगर आप अच्छे से डालते हो ना, तो आपका वीडियो जो है ना इसे सर्च में आता है। मैंने यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे ऐसे भाई को मैंने देखा है कि जो लोग यूट्यूब पर वीडियो क्या करते हैं ना सिर्फ अपलोड कर देते हैं, टाइटल जो है ना उनको नहीं लिखने आता है, ऐसे ही जो है ना कुछ कुछ लिख कर और पब्लिक कर देते हैं। तो भाई इस तरह से जो है ना अगर आप लोग करोगे ना, तो भाई आप लोग कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे और जो आपका यूट्यूबर बनने का सपना है ना वो सपना ही रह जाएगा। तो आप लोग इस तरह से यूट्यूब पर काम मत करो, पहले आप लोग जो है ना कुछ लर्निंग करो, उसके बाद में जो है ना आप लोग यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करो। यानी कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले आपको अपने वीडियो में टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से फिल करना है, अच्छे से डालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे गलतियां के बारे में जो कि अक्सर लोग करते हैं। भाई वे लोग जो है ना कि वीडियो तो बहुत मेहनत से बनाते हैं और अपने चैनल पर जो है ना वीडियो को बनाकर अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन वे लोग जो है ना एक अच्छा थंबनेल नहीं बना पाते हैं। और अगर उस वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं होगा ना, तो कोई भी इंसान के पास में आपका अगर वीडियो का इंप्रेशन जाता है तो वे लोग आपके वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे। अगर क्लिक नहीं करेंगे तो फिर उनको पता नहीं चलेगा कि आपका वीडियो कैसा है और कैसा नहीं है। इसलिए जो है ना कि आप लोग अपने वीडियो का जो थंबनेल होता है ना भाई, आप लोग कैची क्लिकबेट जो है ना बनाना सीखो। और ये चीज़ जो है ना आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे, आपको जो है ना टाइम लग जाएंगे सीखने में। तो इसलिए जो है ना कि आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ में जो है ना कुछ क्रिएटिव करने का भी ट्राई करो, ठीक है ना। और जब वीडियो में मेहनत कर रहे हो ना, तो थंबनेल में भी जो है ना थंबनेल इंप्रूव करने में भी जो है ना आप लोग थोड़ा बहुत जो है ना अपने टाइम को दो, ठीक है। और मैंने भी ये गलती किया था और भाई इस वजह से जो है ना कि मेरे चैनल का जो है ना बैंड बच चुका है। तो भाई अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट गलतियां के बारे में जो कि अक्सर बिगिनर क्रिएटर जो है ना करते हैं। भाई वो गलतियां क्या है ना, जब भी नए क्रिएटर यूट्यूब पर आते हैं, चैनल बनाते हैं, अपने चैनल पर जो है ना वीडियो पब्लिक कर देते हैं अपलोड करके, तो भाई होता क्या है ना कि वो लोग अपने
YT स्टूडियो को बार बार ओपन करके देखते रहते हैं कि व्यूज आ रहा है कि नहीं, कितना व्यूज आया, कितना लाइक्स मिला। और जब उनके वीडियो पर व्यूज और लाइक्स नहीं आता है ना, तो लोग क्या करते हैं ना कि अपने वीडियो का लिंक जो है ना अपने फ्रेंड रिलेटिव के पास में जो है ना वो क्या करने लगते हैं कि शेयर करने लगते हैं। देखो, शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप वीडियो बनाए हो, लेकिन आप जिसके पास में उस वीडियो को सेंड कर रहे हो, क्या वो इंसान उस तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर आप वीडियो बनाए हो टेक के अकॉर्डिंग, अगर कोई इंसान को टेक वाला वीडियो समझ में नहीं आता है, अगर आप उनके पास में उस वीडियो का लिंक को शेयर करोगे, तो भाई वे लोग तो आपके वीडियो को नहीं देखेंगे ना। और जब आपके वीडियो पे क्लिक नहीं किया जाएगा, तो YouTube जो है ना उसको पता लग जाएगा कि आप जो है ना भाई एक्सटर्नल सोर्स का जो है ना आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपके वीडियो को जो है ना लोग पूरा नहीं देख रहा है, ऑडियंस रिटेंशन जो है ना कम है, तो उस वीडियो का जो इंप्रेशन होता है ना बिल्कुल रोक दिया जाएगा। और अगर आप अपने चैनल पर कंटिन्यू अगर अपने वीडियो को जो है ना लोगों के पास में शेयर करते हो, और अगर वो लोग आपके वीडियो को क्लिक करके और वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहा है, तो भाई इसका जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है ना भाई, आपके चैनल पर जो है ना बहुत ही बुरा पड़ेगा, और आपका चैनल जो है ना धीरे धीरे करके डेड होने लगेंगे। तो मैंने जो इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको गलतियां बताया ना, वो गलतियां मैंने भी किया था, और एक टाइम के साथ में जो है ना मेरे को समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या गलतियां किया। और अब मैं नहीं चाहता कि जो भी हमारे जो नए नए भाई जो है ना यूट्यूब पर आ रहे हैं, यूट्यूबर बनने का सपना जो है ना उनके अंदर रहता है कि भाई मैं भी यूट्यूब पर जा रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसा कमाऊं। तो भाई मैं नहीं चाहता कि वो लोग भी जो है ना अपने चैनल पर ये गलतियां करें और उनका चैनल जो है ना एक टाइम जाकर डेड हो जाए, तो मैं नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने चैनल पर ये गलतियों को मत करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आज के बाद जो है ना मैं अपने चैनल पर यूट्यूब के रिलेटेड मैं आपको वीडियो दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।